जनौर में चुनाव लड़ने के बाद सपा नेता की घर दुकान दोनों बिक गए। आपको बता दें, अमित कुमार का आरोप है कि राधा सैनी नाम की महिला ने उसे चुनाव लड़ने को कहा। इसी दौरान अमित के पास पैसे नहीं होने पर उसने अपनी दुकान मकान तक चुनाव के खेल में लगा दिया। आज अमित अपने परिवार के साथ इतना मजबूर हो गया है कि उसने प्रशासन से अपील की है कि इंसाफ दिलवाए। अमित ने अपने परिवार वालों की सुरक्षा के लिए पुलिस से मदद भी मांगी है। मैं चाहता हूँ कहीं मैं मकान बेचूं, उनके पैसे दूं, एक छोटा सा मकान अपने घर वाले के लिए लेके दे दूं। क्योंकि सर छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ रहूंगा ले जाकर। प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। हमने कई जगह एप्लीकेशन डाल चुके हैं सर, सब जगह जितने भी बड़े उच्च अधिकारी हैं सब पे डाल चुके हैं। बस हमारी प्रशासन से ये अपील है, कोई झूठा हम पे मुकदमा ना लगे। हम उनके पैसे देना चाहते हैं और हमारा बैठ के फैसला करा दिया जाए, क्योंकि हम इतने परेशान हैं, इतने डिप्रेशन में सर, ना तो खा पी रहे हैं ना सो रहे हैं ढंग से। बस प्रशासन से ये अपील है, इस मैटर को जल्द से जल्द कटवा दें। और हमारे परिवार के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, कुछ भी होती है, तो उसका सीधा सीधा से राधा सैनी जी को और उनके परिवार को जाता है सर। अगर हमारे साथ कोई भी बदतमीजी